तो हमारे देश में आज किसान प्रोटेस्ट इतना क्यों कर रहे हैं आपको लगता है तेरह से पंद्रह करोड़ किसान और उनके फैमिलीज हैं जो आप प्रोटेस्ट देख रहे होते like states, right? खेती तो करे बट किसान को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए दुनिया का 25 परसेंट दूध हम बनाते हैं इस देश से बनाते हैं तो जो लोग स्टार्टअप और बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी दो परसेंट या तीन परसेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है तो

देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको डिसाइड करना है स्टार्टअप में आपको करना है कि नहीं तो आप पहले देखिए आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है अगर तो उसमें इन्वेस्ट उसमें स्टार्टअप करने की सोचो भी मत काफी जगह में यूएस में या यूरोप में अलग कर, अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं एंड इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि बस हमें खाना टाइम पे नहीं मिले न्यूट्रिशन इश्यूज है वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए वो मेजर कंसर्न है राइट right? इंडिया अगर पल्स इंपोर्ट बंद कर दे किसी एक कंट्री से और दूसरे कंट्री से ले तो उस कंट्री के पल्स का प्राइस कैश हो जाएगा आज के डेट में कई सारे लोग एग्रीकल्चर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन शायद उन्हें ये आइडिया भी नहीं है कि एक स्टार्टअप होता क्या है स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करना है कौन से प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना चाहिए और इससे कई सारे प्रश्न आते हैं जो किसी भी आदमी को कन्फ्यूज कर देता है आज के पॉडकास्ट में हमने ये सारे क्वेश्चन एड्रेस किए हैं हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं मिस्टर जनेश शाह जो कि हैं पार्टनर एट ओमनी ओमनी वोर कैपिटल एक एग्रीकल्चर बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है जो कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को सहायता देती है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस सपोर्ट एक वेंचर कैपिटल फंड बेसिकली एक फंड होता है जो स्टार्टअप्स में पैसा डालता है इन रिटर्न फॉर सम समिटी और शेयर्स ऑफ द कंपनी जिनेश शाह सर ने ख़ुद ही हज़ारों स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा है उनके जर्नीज़ में इन्वेस्ट किया है तो शायद इस इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स के बारे में भारत में इनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि 2024 में बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज़ क्या हो सकते हैं आपको एज़ अ बिज़नेसमैन या बिजनेस वुमेन कौन से कौन से इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एक इन्वेस्टर क्या सोच के किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और साथ ही साथ सीखना भी पड़ेगा तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर जिनेश शाह ऑन एग्री टॉक जिनेश स नमस्ते

Look, I mean, इस देश में तेरह से पंद्रह करोड़ किसान और उनके फैमिलीज हैं और हर किसान अपने अपने स्टेट में काम करता है अपने उनका जो सोचने के दायरे है वो अपना लिमिटेड होता है स्टेट में क्या होता है और उनके स्टेट में क्या होता है कैसे इम्पैक्ट हो रहा है एंड एजुस्टे एग्रीकल्चर ऑल्सो इज अ स्टेट सब्जेक्ट राइट तो जो चीज़ एक शायद एक स्टेट को बेनिफिट हो दूसरे को ना हो mm -hmm. और कोई लोग किसान ज़्यादा बोलते कोई आवाज है कोई कम आवाज़ करते हैं अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करते हैं तो दैट इज़ द रीज़न सम स्टेट में I mean, जो आप प्रोटेस्ट देख रहे होते दैट इज लिमिटेड टू लाइक और थ्री स्टेट राइट बिकॉज दैट रियली इम्पैक्टेड द पॉलिसीज ऑफ द लॉज इम्पैक्टेड दो फार्मर्स मोर देन दर बट हमें तो लग रहा था कि इट वॉज़ अ गुड स्टेप बट फाइनली अगर किसान को नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा राइट आई मीन बियॉन्ड दैट हम क्या कर सकते हैं सही मैं आपसे एक सवाल में दो चीज़ पूछने वाला हूँ सबसे पहले आप क्या करते हैं और दूसरी बात मैं तो जानता हूँ बट आप ये क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए हम क्या करते हैं एज ए फंड ओमनी जहाँ मैं काम करता हूँ वो एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल इंडिया और क्लाइमेट फोकस्ड कंपनी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है इंटेंशन एक ही है कि जो भी हम करें वो किसानों को बेनिफिट हो या सेक्टर रेजिलेंट हो जाए या जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको उसका सामने करने के लिए उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाए <laughs> और ऐसा भी सोचे कि किसान खेती तो करे बट किसान को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए राइट सो दैट इज द इंटेंशन हम इन्वेस्ट करते नए स्टार्टअप नए टेक्नोलॉजीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं राइट right? तो शायद जो कोई खेती करता हो या जो कोई पोस्ट हार्वेस्ट में हो या किसान को वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए या उनका प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग में काम आए या वैल्यू एडिशन में काम आए एक्सपोर्ट बेचे जो एक्सपोर्ट करे तो वो नई नई टेक्नोलॉजी नए नए स्टार्टअप्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हु. और क्यों किया I mean, आई मीन इसके पहले मैं नक्सेस वेंचर्स में जॉब कर रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि कोई भी सेक्टर में अगर रिस्क कैपिटल डालो तो सेक्टर को बेनिफिट होता है हु. नेक्सेस ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 2007-8 में तभी से एक दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया था और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था और मुझे लग रहा था कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज या अर्बन कंपनीज में आगे बढ़ के होगा नहीं बिकॉज आज भी साठ से पैंसठ परसेंट या सत्तर परसेंट लोग गांव में रहते हैं और गांव में जो मुख्य काम होता है जो मेन कार्य होता है वो एग्रीकल्चर पूरा इकोसिस्टम एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूमता रहता है वह एग्रीकल्चर फार्मिंग करिए या डेयरी करिए या पोल्ट्री करिए या एग्रीकल्चर लेबर में काम लेबर में काम करिए तो काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है तो इस देश में अगर आगे बढ़ना हो रूरल तो रूरल इंडिया को डिलीवर करना जरूरी है और रूल इंडिया को डिलीवर करना है यानी तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डिलीवर करना है तो वही लगा कि ये करना है और अगर आप दुनिया में कहीं भी देखो हर एक डेमोक्रेसी जो भी कंट्री डेमोक्रेसी होती है उन्होंने अपना एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है आप नॉर्थ अमेरिका से देखो या यूरोप से देखो या ऑस्ट्रेलिया से देखो सब ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो मुझे भी लगा था एग्रीकल्चर हम भी इंडिया डेमोक्रेसी है तो हम भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी तक हमारे कंट्री में नहीं हुआ है आई मीन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जो चीज़ हजारों साल से चल रही थी हमने अपने प्रोसेस चेंज कर दिए थे बीच में तो वो तकलीफ तो होती है और कोई भी प्रोसेस में इतना बड़ा चेंज करने के लिए आपको क्या पाँच दस साल में तो होगा नहीं है या एक दो सरकारों में होगा नहीं है ये प्रोसेस होता है अगर आपने अगले लास्ट पंद्रह बीस साल में भी देखे तो एग्रीकल्चर में काफ़ी जगह इम्प्रूवमेंट हुआ था इंडिया से पहले धान और गेहूं बनाता था राइट तो अभी अभी हॉर्टिकल्चर इज ए बिग प्रोडक्ट बिल्कुल राइट सेवेंटी से एटीज से के दशक में मिल्क का रेशनिंग होता था आज इंडिया मिल्क काफी दूध काफ़ी जगह इट्स अवेलेबल ऑल अक्रॉस द कंट्री दुनिया का पच्चीस परसेंट दूध हम बनाते हैं इस देश से बनाते हैं अच्छा तो ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ है कुरियन साहब ने हजार सालों लगा दिए काम करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट से मेहनत की है किसानों ने अडप्ट किया है मार्केट लिंकेजेस चेंज हो गई है तो प्रोसेस इम्प्रूव तो हो रहा है एक दिन में सॉल्व नहीं हो गया उसे सॉल्व करने के लिए और दस बीस तीस साल लगेंगे और जो भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो ज़्यादातर एकदम गरीब गरीब लोग थे क्योंकि क्या हो गया था बीच में इंडिया मूव फ्रॉम प्राइमरी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमने थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग किया और तुरंत नाइनटीन एटीज नाइन्टीज से सर्विसेज ने फोकस करना चालू कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग बूम नहीं आया एग्रीकल्चर का जो प्राइमरी प्रोडक्शन था वही प्राइमरी प्रोडक्शन था उसको कोई सेकेंडरी प्रोसेसिंग थर्डरी प्रोसेसिंग कर नहीं रहे थे दुनिया में अगर आप देखो तो ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्रोड्यूस जो एग्रीकल्चर खेती होती है उसका जो प्रोड्यूस होता है उनका प्रोसेसिंग होता है सिंपल एग्जाम्पल चालीस पचास रुपया लीटर दूध होता है उसको प्रोसेस करके पनीर बना दीजिए पांच सौ रुपया पाँच सौ रुपया सात सौ रुपया किलो हो जाता है उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं इंडिया में अभी वो प्रोसेस चार या पाँच परसेंट होता है दुनिया में बीस से पर पच्चीस परसेंट होता है अगर जब तक हम ये प्रोसेस ऐड नहीं करेंगे वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना और ये प्रोसेस स्टार्ट होना चालू हो गया है अच्छा अगर मैं एक साधारण किसान हूँ और मैं वैल्यू एडिशन मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ लेकिन उसमें जो पैसा लगेगा वो ज़्यादा होता है राइट तो मैं कैसे कर सकता हूँ स्टार्टअप ज़्यादा देखो ज़्यादा और कम इट्स ऑल रिलेटिव राइट अगर आप लेट्स से आप टमाटर उगाते हो आप उगा के सीधा मंडी में बेच देते हो आप शॉटिंग नहीं करते हो तो आपको जो रेट मिलेगा मंडी में जो वो रेट होगा अगर आप उसको ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड में डाल सकते हो हुँ. तो ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी होती है उसका अच्छा प्राइस मिलता है अगर आप शॉटिंग कर लो तो दो पाँच परसेंट इनकम आपकी वहीं बढ़ जाएगी अच्छा क्वालिटी वो किसान बेचता कहाँ राइट right? पहले एक ही ऑप्शन था मंडी अब तो काफ़ी काफ़ी कंपनीज डायरेक्टली आती है आपके पास वैसे स्टार्टअप तो होते हैं या बड़ी कंपनीज होती है और किसानों के पास आज तो मार्केट लिंकेज़ के इंफॉर्मेशन भी है पूरा इंडिया व्हाट्सएप पे है पूरा इंडिया के पास इन्फॉमेसन सबके पास है गांव में भी है सबके पास इंफॉमेशन है तो आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो ऑफ स्टार्टअप्स आर आल्सो डूइंग दैट स्टार्टअप्स मदद कर रहे हैं किसान के सर कुछ ऐसे स्टार्टअप के बारे में बता सकते हैं जो तो शायद किसान ये देख रहे हैं आपका पॉडकास्ट जो उनको मार्केटिंग में मदद कर सके देखो हमारी कंपनी है देहात आई कार्ड तो किसानों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं किसानों की जो भी खपत होती है वहाँ जो लेते हैं बेचते हैं तो उनका पैसा उनको तुरंत मिल जाता है फिक्स रेट होता है फिक्स रेट नहीं होता आप मंडी प्राइस देख सकते हो जो कंपनी देहात आई कार्ड या जो भी दूसरी कंपनी काम कर रही है आपको उनका प्राइस ऑफर मिलेगा आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ बेचना है अगर कंपनीज लाइक देहात होती है तो वो आपके खेत से भी आपको हार्वेस्ट करने में मदद कर सकती है वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है तो आप आपका मुनाफा चेक करके डिसाइड कर सकते हो ऑब्वियसली जिसने कंपटीशन होगा तो शायद बेनिफिट तो मिलता ही है राइट right? तो वो दैट इज़ वन एरिया वेर यू कैन गेट बेनिफिट और ये सब कंपनीज किसानों को या एफ के माध्यम के द्वारा मदद भी करते हैं कि भाई आप सब मिल एक छोटा मशीन ले लीजिए या ड्रायल एक मेज़ का मेज़ मक्के की खेती करते हो तरह आपके एफ यू के उसके बाद जो हजार दो हजार फार्मर मिलकर एक, एक ड्रायर ले लो तो आप मेज यानी मक्का आप ड्राई करके बेच सकते हो तो आपको शायद दो पैसा एक्स्ट्रा मिले तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी इंटरवेंशन से आपके इनकम तो बढ़ते हैं काफी कंपनी मदद करती है एक कंपनी है कृषि तंत्र जो सॉइल टेस्टिंग करती है कृषि तंत्र हाँ सॉइल टेस्टिंग करने से आपको पता चलता है कि आपको क्या इनपुट डालनी है सही बात है राइट अगर आप इनपुट उसके हिसाब से साइंटिफिकली डालो तो आपका खपत अब जो खर्चा वो कम हो जाएगा तो पहले क्या था आप रूल ऑफ थम था चलो यूरिया आया यूरिया लगा दो फॉस्फोरस एन के सब छिड़काव कर दो और देखते हैं खेती हरी हरी है पर हरी से कुछ फ़ायदा होता नहीं है तो इनपुट अगर आप सही डालो तो आपकी उपज भी सही होती है आपका खर्चा भी सही होता है तो आपको बेनिफिट भी बनती है सिंपल इंटरवेंशन है तो ये आके आपके मैदान पे खुद सॉइल टेस्ट करते हैं कैसे होता है ऑप्शन होता है उनके पास दो या तीन हजार लोकेशन से वहाँ अवेलेबल है राइट नाउ और ये गवर्नमेंट लैब से अलग है गवर्नमेंट लैब के साथ जो एक्डिटर होता है गवर्नमेंट लैब सर्टिफाई करते कि ये सब गवर्नमेंट लैब के मुताबिक ही चल रहा है तो सर्टिफिकेशन होते होने के बाद वो करते हैं मशीन मोबाइल मशीन होता है गाँव का किसान मिट्टी लेके वहाँ जाके आपको आधे घंटे में आपके सॉइल टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है आपको पता चलता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है

बोला भी जाता है कि इतनी इतनी मात्रा में आप इनपुट डालिए अच्छा आप उनको बोल बोलते हो कि मैं क्या उगाना चाहता हूँ तो आपको वो सजेशन भी डाल सकते हैं कि बस इसके अभी अभी उगा सीड डालने के बाद कितने दिन में क्या न्यूट्रिएंट डालना है क्या एस ओ पीस करना है तो वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं सर आज के डेट में जो हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं मतलब नए कंपनीज आ रहे हैं हमें भी मुझे भी बहुत सारे यंगस्टर्स पूछते रहते हैं स्टार्टअप करना है सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है रियालिटी मतलब विद ऑल डी रिस्पेक्ट टू एवरी वन की हाउ मेनी ऑफ दिए स्टार्टअप एक्चुअल में सक्सीड कर पा रहे हैं कितने लॉस हो रहे हैं कितने बंद हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप का जो कीड़ा बैठ गया ना आज के डेट में एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ कंपनी जो हजारों स्टार्टअप से आप बात करते हैं आपसे अच्छा शायद ये रियलिटी कोई नहीं बता पाए देखो मैं बोलता हूँ जो बिजनेस करता है जो नया स्टार्टअप करते हैं वो आप डिसाइड करिए आप किसके लिए बनाते हो अगर आप खुद को उस कंपनी को बड़ा करना चाहते हो किसी के हेल्प करना चाहते हो तो आपका वो एम वो है लेकिन और लेकिन आप सोचते हो मुझे कोई वीसी या कोई इन्वेस्टर के लिए स्टार्टअप बनाना है तो उसका आपका एम अलग होता है वो सही नहीं है वो सही कैसे हो सकता है इन्वेस्टर तो आपके बिजनेस में चार या पांच साल रहेगा उसके बाद निकलना है क्योंकि उसको अपना इन्वेस्टमेंट जो किया है वो बेच के आपने इन्वेस्टर को आगे पैसा देना है तो उनका व्यू पॉइंट अलग होता है अगर आप सोचते हो आपको अगले पंद्रह बीस साल में ये पाँच हजार पचास हजार पाँच करोड़ जो भी नंबर आपको करना है नंबर वो करना है तो एक जर्नी है एक दिन में तो होता नहीं है अगर उस जर्नी में अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर का पैसा आने से आपको बेनिफिट हो सकती है तो पैसा ले लीजिए राइट तो जो बिजनेसमैन या जो भी ऑन्ट्रप्रनर होता है अगर अपने गोल के हिसाब से काम करता है तो शायद उनका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है अगर, पैसा उठाने के लिए अगर सिर्फ आपका एक ही मतलब है कि पैसा उठाओ तो शायद आप लकी रहोगे तो पैसा मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो बिकॉज इन्वेस्टर भी देखता है ना कि भाई इस भाई साहब का क्या मतलब है क्यों कर रहा है तो ये पैसा वैसे बांटता तो नहीं है किसी के पास पैसे बांटने के लिए पैसा है है तो भी नहीं बांटता है जिसके पास पैसा है वो नहीं बांटना उसकी इच्छा तो और कोई भी वीसी इन्वेस्टर जब देखता है देखो सभी स्टार्टअप को वीसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है सर एक स्टेप पीछे आप वीसी समझा सकते हैं होता तो okay. क्या है कैसे काम okay. करता वी वीसी यानी वेंचर कैपिटल जो यंग स्टार्टअप होते हैं hmm. जिनका बिजनेस मॉडल एक या दो या तीन साल पुराना हो अगर उनको लगता है कि उनके बिजनेस में ग्रोथ के लिए कोई पैसा लगा है और तो बिजनेस फास्ट ग्रो कर पाएगा अगर नहीं मिलेगा पैसा तो अपने आप ग्रो होगा लेकिन टाइम लगेगा Hmm. तो वीसी इन्वेस्टर वो होता है कि आपको आपके बिजनेस में अर्ली स्टेज में पैसा लगाता है चार या तीन या चार या पाँच साल रहता है वो मदद करता है कि आपका बिजनेस पाँच गुना छः गुना सात गुना जितना बढ़ सकते उतना बने नफा बढ़े आपका प्रॉफिट बढ़े और जब भी वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो अपना स्टेक बेच के आगे निकल जाता है तो वी इज अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम्म तो ये अर्ली कंपनीज के लिए होता है कि कोई टाइमलाइन होता है किस हिसाब से जनरली अर्ली कंपनीज के लिए होते हैं उसमें भी स्टेजेस होते हैं कोई सीड यानी जब कोई आइडिया लेवल या कोई छोटा बिजनेस एकदम छोटा हो स्टार्टिंग में तभी बोलते हैं कोई सीरीज ए बोलते हैं यानी कंपनी दो तीन साल की हो गई है पाँच दस पंद्रह बीस करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है प्रॉफिट मिलना चालू हो गया है हुँ. तभी सीरीज ए होता है जैसे बड़ी होती है वैल्यूएशन बढ़ता है सीरीज सीरीज सी डी हो जाता है तो इट्स लाइक बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का के बदले रिटर्न चाहिए आंतरप्रनर को उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका बिजनेस का ग्रोथ फास्ट होता है पर उसे अपना स्टेक देना पड़ता है हम्म यानी वो भागीदार हो जाते हैं कंपनी के है। हाँ करेक्ट तो वो वीसी बिजनेस है वो वीसी इन्वेस्टमेंट है, है। तो मेरा जो पॉइंट था कि सभी स्टार्टअप को वीसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है सही बात अगर है। सबसे बढ़िया वही होता है कि जो अपने पैसे से आगे बढ़ जाता है प्रॉफिट बना बना प्रॉफिट बना बना के टाइम दे के अपना जो भी सोच अपने हिसाब से आगे बढ़े तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग पर अगर लगता है कि कोई वीसी इन्वेस्टर से पैसा आ सकता है और उसको बेनिफिट ग्रोथ फास्टर हो जाएगी तो अपना थोड़ा हिस्से हिस्सा दे के पैसा ले आगे बढ़ता है और आगे उस चेक का जो वीसी बेच देता है शायद कंपनी भी खरीद सकती है या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी को बेच सकते हैं भविष्य में कर, सब कुछ अच्छा है तो भी कर सकते आप ऐसे पैसा तीन या पांच प्रपोजल आते रहेंगे ती, पूरे से, तो साल में ढाई सौ तीन सौ चार सौ प्रपोजल आते है हम शायद पांच या छो में पैसा लगाते हैं बस वो भी कम्पल्सरी नहीं होता है अच्छा राइट तो

आप जब कंपनी देखते हैं मानो मैं इन्हें एक स्टार्टअप स्टार्ट किया तो आप क्या देखते हैं कि इस कंपनी में एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक बात करते हैं क्या बेसिस पे आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं व्हाट आर द बड़ा जिस जिसपे आप देख के डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए सही है इन्वेस्ट करने के लिए देखो हम लोग एज अ फंड वी बिलीव इन थियरी ऑफ चेंज यानी एक हमारा थियोरी ऑफ चेंज है समझा तो, सकते हैं उसको तो थियोरी ऑफ चेंज में चार पिलर है कि उमनी अगर कोई भी कंपनी में डालते हैं तो चारों में से एक पिलर तो सॉल्व होना चाहिए तो पहला पिलर है किसान की प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग यील्ड इंक्रीज यक्रीज करने या कॉस्ट कम करने की बात नहीं करते हम लोग को बोलते हैं कि, कि किसान को प्रॉफ़िट बढ़ना चाहिए वो पहला पिलर है दूसरा सेक्ट है कि सेक्टर सस्टेनेबल होना चाहिए यानी आज कुछ ज़्यादा प्रॉफिट करके कल कर नुकसान करने वैसा नहीं करना है या आज आप एक्स्ट्रा केमिकल डाल के उपज बढ़ा दो लेकिन दो साल के बाद तो तकलीफ होगी तो वो हो नहीं करना है तो सस्टेनेबल होना चाहिए थर्ड इज ये सेक्टर में काफ़ी रिस्क है राइट right फ्रॉम बारिश नहीं आने से वेदर का इश्यू है प्राइसेस नहीं होते हैं आई मीन एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रोडक्शन है क्या प्राइसेस है तो काफ़ी कुछ रिस्क है तो इस सेक्टर में हम रेजिलियस बढ़ाना चाहते हैं इस सेक्टर का और किसानों का रिस्क कम करना जैसे है। आप इंश्योरेंस ले सकते हो जैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हो तो वो रेजिलियस बढ़ाना थर्ड पिलर हमारा तीसरा पिलर है रेजिलियस बढ़ाना तो जो चौथा पिलर है वो क्लाइमेट है जो भी हम करें वो प्रो क्लाइमेट होना चाहिए यानी अपने सॉयल या पानी का कोई भी नुकसान ना हो केमिकल जितना कम हो सकते हो उतना डाले उसी इनपुट में ज्यादा पैदावार हो हु. या जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको यूज करके आगे कुछ हो सकता है बेनिफिट जितना लॉस वेस्ट पोस्ट हाविस लॉसेस कम हो है, वो करें सो दैट इज ऑल प्रो क्लाइमेट जितना कार्बन एमिशन कम हो राइट right? हु. वो कम करे तो ओमनी जब इन्वेस्ट करता है तो चार में से एक पिलर तो सेटल करना है वो अगर नहीं है तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे राइट सो दैट इज वन थिंग उसके बाद फिल्टर ये फिल्टर है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे यहाँ फिल्टर पास होने के बाद हम देखते हैं कि हम लोग उसको फोर टी का थियोरी बोलते हैं या अब हम लोग का स्ट्रेटेजी बोलते हैं प्रोसेस ऑफ है टी थियरी। for, for t, और पहला टी बोलते हैं कि टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है आपकी मार्केट साइज कितनी है सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है टीम आप अकेले आदमी हो या टीम को लेके साथ चल रहे हो तो टीम यानी टैलेंट सबसे बड़ा इंपॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो होता है तीसरा है ट्रैक्शन कि आपके बिजनेस को कितना रेवेन्यू मिला है कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं कितने लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज कर रहे हो कितने किसान काम कर रहे हैं कितना बेनिफिट देते हो वो तीसरा है और चौथा है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी शायद कंपनी टेक्नोलॉजी लेड हो यानी नई टेक्नोलॉजी पे काम करती हो या दूसरा नहीं तो टेक्नोलॉजी यूज करके आगे ग्रोथ करते हो बिकॉज अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री में स्केल करना है तो टेक्नोलॉजी यूसेज तो चाहिए विदाउट टेक्नोलॉजी आप कर नहीं पा रहे हम लोग आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो तो विदाउट टेक ये पॉडकास्ट होता भी नहीं था होता भी नहीं है तो वही टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई बोलता है मैं सिर्फ रेवेन्यू लेके आता हूँ और सिर्फ फ़ोन कॉल पर बात कर लेता हो पर उसमें कोई टेक नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी होना, होना चाहिए होना चाहिए तो ही स्केल कर पाओगे Hmm. अगर आज आप बारह घंटा काम करते हो स्केल करने के लिए अठारह घंटा बट पॉइंट आप कितना काम करोगे यू विल नीड सम टूल्स टेक्नोलॉजी टू हेल्प राइट तो वो चार टी होता है तो दिस इज लाइक पहले फिल्टर होता है और चार टी में हमें जमता है कि इसमें होगा में चारो टी होने चाहिए चारो टी होने चाहिए अच्छा तो, एक अगर छोटी आप बोलो टैम अगर मार्केट साइज पचास करोड़ है तो मैं उसमें कैसे इन्वेस्ट करूँ क्योंकि मुझे तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ग्रो करने के बाद आगे बेचना है अगर पचास करोड़ का मार्केट है तो बस मैं करूँ कैसे आप सॉ पूरे हंड्रेड परसेंट मार्केट शेयर के ऑनर हो तो भी पचास करोड़ का कंपनी है और पचास करोड़ में एग्जिट तो होगा नहीं है हु, हु. तो जब तक आपका मार्केट साइज ही बीस पच्चीस हजार करोड़ ना हो क्योंकि हमें लगता है कोई भी स्टार्टअप दो या पाँच या सात परसेंटेज से ज़्यादा स्टेक पूरे मार्केट का ले नहीं सकता है। ले नहीं सकता और हमें आगे बच ग्रोथ करने के लिए भी ऑप्शन रहता है राइट तो टाइम आपका बड़ा होना चाहिए सर लेकिन मुझे जो तकलीफ अभी मैं नोटिस किया हूँ मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ तो इस सेक्टर में टाइम निकालना अफकोर्स आप बेटर बता पाएंगे गाइड कर पाएंगे मुझे मुझे लगा थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कोई कोई सेक्टर्स के लिए बहुत ही अनऑर्गेनाइज डेट है तो आप लोग कैसे निकालते हैं टाइम उस पर थोड़ा एडवाइस कर सकते हैं ताकि जो लोग स्टार्ट करना चाहें वो समझें कोई फॉर्मूला है या कोई अप्रोच लेते हैं resources और रिपोर्ट्स ये सब कैसे निकालते हैं आप लोग देखो रिसोर्सिस रिपोर्ट तो शायद मिल भी जाते हैं सेकेंडरी रिसर्च मिलता है बट जो भी टाइम है इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एग्रीकल्चर में एडवांटेज क्या है कि आपको प्रॉब्लम पता है लेट से आप सोचते हो कि आपको दूध का धंधा करना है हुँ. तो इंडिया में रोज दूध होता है वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड सही बात है राइट टाइम यानी कितना चार परसेंट ऑफ इंडिया जी है <laughs> तो 12 से 13 बिलियन डॉलर का या पंद्रह सोलह बिलियन डॉलर का सिर्फ दूध लिक्विड मिल्क का मार्केट है पनीर घी की तो बात ही नहीं कर रहा हो <laughs> तो टाइम तो बड़ा हो गया अगर लेट से आप मक्के की खेती करते हो तो आपको पता है कि मक्का कहाँ यूज़ होता है <laughs> मक्का यूज़ होता है पोल्ट्री में लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा स्नैक्स में यूज़ होता है थोड़ा स्टार्च में यूज़ होता है शायद अभी एथेनॉल का भी प्रोडक्शन हो जाएगा तो मक्के का वो भी बेनिफिट होगा तो आपको पता है मक्के का मार्केट बहुत ही बड़ा है मक्का अच्छा मार्केट है घुसने के लिए वो तो एवरी इंडिविजुअल आई आई डोंट थिंक वांट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस आपने मुझे <laughs> <नहीं>। <laughs> तो मार्केट साइज तो बड़ी है राइट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आज से दस साल पहले इंडिया जो प्रोडक्शन कर रहा था सिर्फ अपने लिए कर रहा था अपने देश के लिए कर रहा था बट इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ बिग एक्सपोर्ट प्लेयर सही बात है। हम लोग यहाँ बैन कर देते हैं तो ग्लोबली प्राइस इम्पैक्ट होता है राइट सो दैट इज वेर इट इज राइट सो यू नो अगर आपका स्ट्रेंथ है कुछ मार्केट में आप बेनिफिट कर सकते हो तो आपको टाइम पता चल जाएगा हुँ. अगर कोई डॉलर में के बाद बीस करोड़ का मार्केट है दो हजार करोड़ का मार्केट है आई थिंक वो शायद आज आप आज आपको लास्ट का डेटा मिलेगा हुँ. Right? राइट बट तो right? आपको हम जब डालते हैं पैसा तो सोचते कि अगले पाँच साल में क्या होता है से हमें लगता है कि इंडिया में पैकेज फूड और प्रोसेस फूड की खपत पाँच साल में और बढ़ जाएगी हुँ. तो हम लोग उस मार्केट में देखते हैं क्योंकि आज इफ यू टेक अ लुक एवरी इंडियन राइट हम लोग कोई भी गांव देहात में जाए तो वहां भी लोग सिर्फ शहरों की बात नहीं कर रहा हो गांव गांव देहात में भी लोगों को ब्रांडेड चीजें चाहिए राइट शायद हम अरमानी का ड्रेस पहनते हो वहां शायद दूसरे ब्रांड का रहेगा बट ब्रांड चाहिए हु. राइट वहां के लोगों को भी आई मीन यहाँ के जब लोग शहर से जाते हैं गाँव में और अपने मेड या जो भी घर में हेल्प करते वो भी जाते हैं तो उनको भी वहाँ बॉटल पानी चाहिए क्योंकि उनका उनको भी आदत हो गई कि यहाँ बॉम्बे में जो पानी पीते हो दिल्ली में पीते हो शायद गांव में फिल्टर शायद उनका स्टमक या अभी पचा भी ना पाए दिमाग का पैटर्न बदल गया है पैटर्न भी बदल गया गांव के लोगों के भी बिकॉज सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस है तो उनको भी शहरों में क्या होता है वो दिखता है और उनको भी वही चीज़ चाहिए तो एज अ रिजल्ट इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस के मुझे भी ये ब्रांड चाहिए आप ये सीरियल देखते हो यूट्यूब चैनल देखते हो तो पता चलता है कि शहरों में क्या हो रहा है दूसरे कंट्री में तो सबको खाई से तो सबकी बढ़ जाती है तो मुझे लगता है जब खाई से बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा टाइम भी बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि वो टाइम बढ़ रहा है तो वैसे ऐसे हम डालेंगे कि उस उसपे काम करते हैं अंडरस्टैंड यानी जो जेन्यून प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम बड़ा है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो पैसा लगा लेते हैं बड़ा सोच सोचना चाहिए और जो सहल हो सकता है hmm. जो अपने बस के बाहर है तो सोच के क्या फायदा है? तो करके भी क्या फायदा सर जैसे मतलब मैं आप एज एन इन्वेस्टर आप क्या चीज को मानते हैं कि बस के बाहर है लेट्स Let, से के इफ यू टेक अ लुक के मुझे एक्सपोर्ट के भी बात कर रहे हैं राइट hmm. तो पहले पहले हम सोचते थे कि एक्सपोर्ट जब प्राइसिंग कैसा होना चाहिए कि यहाँ कॉस्टिंग है अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, दो तीन जगह तो 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 में नहीं है, में हो जाएगा, 40 -50 हो रहा है। वो फिजिबल नहीं, तो नहीं होता है तो बोलता है कि ये सब अपने बस के बाहर है अभी क्योंकि तो वहाँ अपना कुछ चलने वाला नहीं है मुझे अच्छा भी लगे बुरा भी लगा सुनने वाला नहीं है वो तो तभी उस सेक्टर में नहीं डालेंगे अपना पे ग्रेड के ऊपर छोड़ देने का उसमें नहीं घुसने का और नहीं घुसने का मीन I mean, इंडिया में वो सुख कोई बोलता है मुझे एवेकॉडा की खेती करनी है मीन I mean, खाने वाले कितने एवेकॉडे इंडिया में कम है हमें I mean, शायद गिन के दस बीस लाख लोग पच्चीस लाख लोग उसमें मैं क्या मार्केट बनाऊँ समझ गया और खाते नहीं है, नहीं जमता है। खाना उनको सु... नहीं होता है जैसे कहते हैं ना बहुत गुजराती बत... गुजरात खाना खाना नहीं, नहीं खाते हैं वो चीज हाँ। गुजराती लोग का टेस्ट पैटर्न अलग, अलग है मार्केट स्टडी करना जरूरी है जो मेरा अगला क्वेश्चन आज जब आप किसी भी यंगस्टर को स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसे क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखना ज़रूरी है मार्केट स्टडी करना ज़रूरी है मतलब जैसे हम कहते हैं पी इन्वेस्टमेंट टर्म्स में जो किसानों के लिए उसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट कि जो आप ग्रो करना चाह रहे हैं स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उसका आइडिया मार्केट में और कस्टमर्स के साथ बैठता है कि नहीं इसको आप थोड़ा समझा सकते हैं एंड स्टेप्स क्या होने चाहिए मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आप बता sure. सकते हैं थोड़ा

छोटा प्रॉब्लम है तो कर सकते हो और आपके गांव में एक पूल बनाना है या कुछ आपको कुछ इरीगेशन करना है तो आपका छोटा सा प्रॉब्लम है ना उसमें इन्वेस्ट क्या करेगा राइट <laughs> right? अगर बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ मक्के की बहुत खेती होती है और मक्के का प्रोसेसिंग कम है हमारे यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है बारिश कभी भी आ जाती है तो उसको सुखाना कैसा है तो प्रॉब्लम बड़ा है मेरे एरिया में <laughs> तो मैं शायद उसमें इन्वेस्ट करूँ तो आप प्रॉब्लम के साइज़ देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं वो देखिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आप कितना बड़ा हो सकते हो क्योंकि इन्वेस्टर तो देखता है कि मुझे एग्जिट कैसे मिलेगा सही बात है राइट right? तो अगर इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर को एग्ज़िट दे सकते हो आप तो आप ये उस तो स्टार्टअप बना सकते हैं इन्वेस्टर के लिए नहीं तो आप खुद के लिए अपना स्टार्टअप बनाए जो भी प्रॉफिट करते हो उसमें लगाइए एंड आपके टाइम के हिसाब से उसको ग्रो करिए आगे बढ़िए Hmm. तो प्रॉब्लम नहीं है अगर तो उसमें इन्वेस्ट उसमें स्टार्टअप करने की सोचो भी मत अगर लगता है कि हमारे काफ़ी जगह में यूएस में या यूरोप में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम होते हैं hmm, hmm, hmm. राइट इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि बहुत हमें खाना टाइम पे नहीं मिले न्यूट्रिशन इश्यूज है राइट क्वालिटी ऑफ फूड इज़ अ कंसर्न या अगर आप खेती करते हो तो आपको फाइनेंसिंग यानी आपको वर्क वर्क वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए वो मेजर कंसर्न है वो बाकी देश में वो प्रॉब्लम नहीं है तो अपने देश का वो प्रॉब्लम है तो हमें वो सॉल्व करना है तो स्टार्टअप जब आंतरप्रदेश देखे तो वो सोचे कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अगर जेन्यून प्रॉब्लम है तो आगे बढ़िए और आपने डिसाइड कर लिया आगे स्टार्टअप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए आपको पार्टनरशिप फर्म खोलनी है या प्रोपरेटरशिप फर्म खोलनी है या लिमिटेड कंपनी खोलनी है बिकॉज इन्वेस्टर होते हैं तो दे वो लोग पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी में प्रॉपर्टरशिप एंटिटी में नहीं आते हैं क्यों आई मीन बिकॉज इन्वेस्टर को कारपोरेट स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि स्टेक चाहिए कंप्लाइंसेस होते हैं वो कंपनीज में ज़्यादा होते हैं कंट्रोल हो सकते हैं तो आप कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड बेटर ऑप्शन है अगर इन्वेस्टर की इन्वेस्टर से पैसा रेज करना हो तो हुँ. अगर रेज नहीं करना है तो आपके चॉइस के ऊपर है राइट right? तो वंस यू डिसाइड कि आपने लिमिटेड कंपनी खोलनी है उसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन जो भी है वो प्रोसेस फॉलो कर दिए कोई अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर को हायर करके वो प्रोसेस कंप्लायंस फॉलो कर दीजिए बिकॉज हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी स्टार्टअप्स में वो कंप्लायंस होता ही नहीं है तो पैसा लगाना भी हो तो वो डिले हो जाता है चार पाँच छः महीने क्योंकि तो जब तक वो कंप्लायंस एकदम हंड्रेड परसेंट क्लियर ना हो तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग भी गाइडलाइंस से गवर्नेंस के स्टैंडर्ड वी वांट टू कीप इट हाई बिकॉज हमारे इन्वेस्टर्स को भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ई स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो तो जब तक हम भी ना देखें तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे वी विल वेट फॉर थिंग्स टू हैपन राइट तो कंप्लायंस और लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द आंटरप्रीनियर्स इंडिया में मोस्ट ऑफ ज़्यादातर आंट्रप्रनर इंजीनियर्स होते हैं उनको लगता है कि इंजीनियरिंग और सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो सॉल्व हो जाएगा लेकिन जब वो सॉल्व नहीं होता है तभी बहुत परेशानी होती है तो आप वो, वो साथ में काम देन यू डिसाइड कि आपका जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसका मार्केट है कि नहीं सबसे okay, पहले प्रॉब्लम हो गया आप, company structure, company structure, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट है कि नहीं सर ये तो स्टेप वन में लेकिन हमने थोड़ा देख लिया ना आप तो पहले देख लीजिए आदर यू डू सी वन सी अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं किया इनकोऑपरेशन नहीं किया आपने स्ट्रक्चर बाहर बना लिया बट वेन यूर ब्रिंगिंग इन योर कंपनी तो उसका आई किसके पास है हुँ. अगर आपके इंडिविजुअल के पास है तो इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगेगा आउट आई सी दिसप इज नॉट सी नहीं है साथ ही साथ ये सब सब साथ में होना मैं पहला नहीं बोलता कि पहले आप, प्रड़म 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 सबसे पहले आता है क्या बेसिक फंडा है, हाँ, है तो पहले कंपनी खड़ा कर देगा आई मीन सिंपल उसको जो आता है वो पहले बिकॉज वैचुरल इंसिडेंट है तो प्रोडक्ट भी चेक करना पड़ेगा उसका मार्केट है कि नहीं देन यू रियलाइज के बहुत उसको उस प्रोडक्ट के लिए कोई पैसे देते है कि नहीं आपको आपने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया लेकिन आपको पैसा नहीं देने वाला है आपसे खरीदने वाला नहीं है तो, तो क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स वी एक्सपेक्ट पीपल टू तो गिव इट फ्री फ्री में सब लेंगे <laughs> फ्री में सब लेंगे <laughs> तो देट इज़ लाइफ राइट तो आप देखिए उसको उस, उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कोई आपको पैसा देता है कि नहीं उस पैसे से आप कितना प्रॉफिट कर पाओगे और आप ब्रिक यून कप कर पाओ वो सब बेसिक फंडामेंटल चेक कर ले एंड इफ़ यू फाइंड कि अभी भी आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है ग्रोथ हो सकता है तो बिजनेस कर दीजिए hmm, ये सारे स्टेप्स पहले देखना जरूरी है देखो आंटरप्रिनरशिप इज अ वेरी लोनली जॉब एंड इट्स नॉट ईजी राइट हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है क्योंकि जो आपकी परेशानी है सिर्फ आपकी परेशानी है आपके एम्प्लॉय की परेशानी भी आपको आती है आपके फैमिली की परेशानी भी आपको आती है

I mean, बिकॉज I mean, आप आंटर्प्रेनियर कब बनते हो तीस पैंतीस साल की उम्र में एंड दिस इज प्राइंग फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ प्रोफेशनली भी आप सबसे ज़्यादा पैसा तभी कमाते हो फैमिली ग्रोथ भी तभी सबसे ज़्यादा होती है पेरेंट्स भी आपसे सबसे ज्यादा तभी एक्सपेक्ट करते हैं योर फ्रेंड्स ऑलसो एक्सपेक्ट एवरी थिंग फ्रॉम यू और आप खुद आंट्रप्रन बोलते हो तो एम्प्लॉयज भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं सबका एक्सपेक्टेशन आपसे और एंड दैट्स एन एज यू बिलीव दैट आपको काफ़ी इन्जॉय भी कर सकते हो बिकॉज अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जॉब में आप हाईएस्ट लेवल पे ग्रोथ हो रहा है तो यू आल्सो बिलीव यू कैन एन्जॉय वो सब सेक्रीफाइस करके खुद करना इट्स अ चॉइस राइट उसमें कोई इट्स नॉट ईजी अब ईजी आसान नहीं है राइट अगर आप भी खुद करते हो तो आपको भी लगता है ना कि भाई मैं भी छुट्टी मार लेता हूँ यार अगर एम्प्लॉयमेंट में होता है तो शाम को नौ बजे आठ बजे के बाद मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ या सनी रवि मेरा मेरा है और तो बिजनेस करते हो तो कभी भी आपका कुछ नहीं होता है कुछ ना कुछ तो चलते रहता है तो जो लोग स्टार्टअप और बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है या यह आपका हर चीज़ सब... अच्छा दिखता है बाहर से अच्छा आपको आपका फैमिली सपोर्ट भी चाहिए बिकॉज जब मैं अपना स्टार्ट किया तो मुझे एक दो साल ऐसे गए तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है कहाँ है इन्वॉल्व में शायद घर पे भी रहूँ तो मेंटली बाहर ही था एंड आई मैं एक्सेप्शन नहीं यू सभी आंट्रप्रनर के जर्नी में ये प्रॉब्लम आता ही है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं एंड आपके आपके वाइफ आपकी हस्बैंड जो भी आपके स्पाउस है आपके माँ बाप आपके फ्रेंड्स बिकॉज फटी हुई रहती है पहले दो तीन साल बिजनेस में कोई पैसा ही नहीं बनाता है एक तारीख आती है तो टेंशन आता है कि पगार कैसे चुकाना है पगार, पगार मिलने चे? का तो टेंशन ही नहीं था mm -hmm. मिलता ही नहीं था तो आप उस चुकाने का टेंशन था और वो वो स्ट्रेस लेवल्स अलग लेवल का होता वो है वो सारे दिन आपने देखे हैं सब नहीं देखते होते सर मैं भी देखा हुआ फर्स्ट जनरेशन आंतरप्रनर सी टू दैट इवन आप सेकेंड जनरेशन आंतरप्रनर हो थर्ड जनरेशन हो तो नया बिजनेस करते हो तो आप भी देखते हो सर मैं तो बिजनेस मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता जैसे आपने बोला सेकेंड जनरेशन आंटरप्रनर मैं तो छोटे ही लेता हूँ ये पॉडकास्ट का अगर पॉडकास्ट में मैंने एक दिन में दो एपिसोड कर लिया किसी से तो बात नहीं किया तो उसके बाद मुझे मन नहीं करता मैं किसी को फेस करूँ बहुत ही छोटा चीज़ है सर ऑबियस स्केल बहुत अलग है बट लोग पूछते तुमने मैं बात क्यों नहीं कर रहा है ना मुझे थोड़ा देर अभी अकेले बैठना होगा सुबह से बात कर रहा हूँ लोग से राइट तो बहुत ही पॉइंट वन परसेंट पे बट मैं समझ सकता हूँ और मैं इस बात को अक्नोलेज करता हूँ कल मेरा जब कंपनी खड़ा होगा देन ये चैलेंजेस आएंगे और अभी नो आप किसान के बारे में सोचो वो तो ऐसा इंसान है कि सब कुछ पैसा अपना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लगा देता है देन ही हैज़ टू प्रे के बॉस भगवान उस पे मेहरबान हो बारिश या जो भी है टेम्परेचर वेदर उसके कंट्रोल में हो थर्ड जब ये उपज हो जाती है उसको स्टोरेज कहाँ करना है उसको कहाँ बेचना है या अगर प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में नेशनल मार्केट्स में उसके हाथ में नहीं है अगर आप सोचते हो कि मेरे को लगता है कि टाइम अच्छा मार करो गवर्नमेंट ने बोला ये बंद एक्सपोर्ट बंद आपका या स्टोर नहीं कर पाओ रेगुलेशन है तो आप क्या करो हुँ. तो वो बेचारा तो मैं तो मुझे शायद मुझे अपना कुछ तो पता है कि मैं कर पाओ बट तो किसान की तो हालत मुझसे भी फटी हालत होती है आपसे ही फटी हालत होती है? जाता है किसान कभी कभी थक भी जाता है राइट हुँ. तो अगर उसको आप मदद करो उसको तो इंटेंशन और करने का यही था कि भाई ये प्रॉब्लम तो मेजर है और अपने देश में तेरह से पंद्रह करोड़ फैमिली है और ये प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं कि कोई रोज सॉल्व कर रहा है गवर्नमेंट भी मेहनत कर रहा है प्राइवेट सेक्टर भी है तो भी यहाँ इतनी बुरी हालत है तो जब हमने चालू किया तो हमने यही सोचा कि भाई इसको कुछ ट्राई करते हैं लेट्स सी लाइफ टाइम में दो चार प्रॉब्लम सॉल्व कर ले किसान खेती के तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा क्यों की आप उन लोगों को मदद कर रहे हैं जिनको लगता है उनके पास कोई सहायता नहीं है कई बार थक जाते हैं बेचारे आमिन कभी कभी देखता है क्या वो पूरे देश के लिए खाना बनाता है और उसके घर पे तीन टंग का खाना नहीं है हम्म हम्म इट्स हार्ड रियलिटी सच्चाई यही है सर मैं आपसे मैं आपने पहले डिप्लोमेटिकली आप बोले या कुछ भी बट मैं आपसे समझना चाहूँगा अभी बहुत सारे सेक्टर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जैसे फाइनेंसिंग का आपने बोला आ, मार्केट सपोर्ट मार्केट लिंकेज का आपने बोला क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने बोला राइट और ऐसे क्या अपर्चुनिटीज़ हैं जिसमें लोग आ सकते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ में भी लोग कैसे अप्रोच करें मतलब क्लाइमेट चेंज तो आज हम देख ही रहे हैं हम बैंगलोर में बैठे हैं बैंगलोर का हाल हम जानते हैं पानी के इशूज़ जानते हैं सॉइल वाटर ख़राब हो रहा है ये भी हम जानते हैं राइट ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज या एडवाइस आप दे सकते हैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ एडवाइस की हाँ ये एरिया पे आप फोकस कर सकते हैं ज़्यादा देखो क्लाइमेट ऑबियस है राइट नाउ बिकॉज एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है कि क्लाइमेट का प्रॉब्लम भी वही क्रिएट करता है

में पानी का यूसेज आप ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए यू सॉल्व लॉट ऑफ ऐसा? ट्राई तो कर रहे हैं काफी लोग बट आउटसाइड माई पोर्टफोलियो जैन इरीगेशनिशन मीनू तो वो वो है I mean, आई मीन अदर थिंग इज दैट ये है राइट बट अदर प्रॉब्लम जो इतना करता है तो उसको पैसा ज्यादा नहीं बनता है ही मेक्स प्रॉफिट्स उसका कैश फ्लो ऊपर नीचे होते रहता है एक अच्छा साल दूसरा बुरा साल तो इट डू इट तो उसको फाइनेंसिंग सपोर्ट चाहिए जब आप फाइनेंसिंग सपोर्ट कहते हैं मतलब पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए किसान को आज क्या हो रहा है कि किसान बेचारा उसके पास ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग है नहीं एंड आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट का गलती है बैंक का गलती है बिकॉज किसान छोटे छोटे है तो शायद बैंकों को भी इतने साथ में लोन कैसे देना वो भी डिफिकल्ट हो रहा है गवर्नमेंट एफ ई ओ की मदद से ट्राई कर, कर रही है एफ ई ओ के ज़रिए से ट्राई कर रही है बट इट्स अ वेरी टफ बिजनेस राइट तो किसान क्या करता है सबसे ईजी गाँव का साहूकार या अड़द के पास जाएगा पैसा ले लेगा जब चाहिए होता और बाद में वो साहूकार या अड़द दबाता है उसे बिकॉज दोनों बिजनेस बिजनेसमैन है I'm not saying कि कोई फेवर कर रहा है कोई उस, सही गलत नहीं है कोई अपना अपना वैल्यू एडिशन है लाइफ में राइट तो तो किसान अपनी मजबूरी से लेता है पैसा तो अगर किसी अड़द से पैसा लेता है साहूकार से तो साहूकार वुड है इन्फ्लुएंस ऑन हिम और हर तो बोलता है कि भाई मुझे आपका माल बेचो या आप मुझे ये दो ये प्राइस पे मैं दूंगा हुँ, राइट हुँ, हुँ. क्योंकि जब भी उसको पैसे की जरूरत हो तभी वो ऑन द स्पॉट पैसा देता है उतना कोई बैंक नहीं देता है तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ये हजारों हजार सालों से चल रहा है एटलीस्ट कपल ऑफ डेकेट तो पक्का तो अगर वहाँ कुछ आप सॉल्व कर पाओ राइट देन वैल्यू एडिशन कर रहे सकते हो अगर सिंपल थिंग है आप सिर्फ खेती कर रहे हो और खेती के बाद वैल्यू एडिशन नहीं करते हो और दूसरा कोई अड़द करता है या कोई छोटा बिजनेसमैन करता है तो आप काफ़ी कुछ बेनिफिट छोड़ रहे हो उसके लिए एग्जाम्पल टमाटर से केचप वो है एक बेसिक एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल वो है अदर थिंग इज लाइक अगर आप किसान हो आप आप तब तक सेफ हो जब तक आपकी आपकी उपज खेती में लगी हुए जड़ से जुड़ी हुई तो भी हुँ. जैसे आप जड़ से काट लेते होते हो हार्वेस्ट कर ले होते हो तो आपको बेचना ही है उसे आ इधर आप स्टोर कर पाओ एंड यू गेट लोन अगेंस्ट दैट अगर आपको नहीं करना है तो यू वॉन्ट टू सेल इट ऑन द स्पॉट अगर कोई ऐसी कंपनी की भाई जब खेत में ही उसकी उपज पड़ी है तभी उस मार्केट कनेक्ट करवा दे तो शायद किसान को बेनिफिट हो जाए तो दो सर क्वाइट अ फ्यू एरियाज अराउंड इट राइट दूध है इंडिया में बिगेस्ट चैलेंजेस के बॉस आप जो दूध पीते हो मैं दूध पीता वो अच्छा क्वालिटी दूध है कि नहीं वो नहीं पता हु. आप जो खाना खाते हो मैं खाता हूँ वो अच्छा क्वालिटी है वो नहीं पता क्वालिटी असेसमेंट नहीं है राइट right? अभी जो बिगेस्ट इशू हुआ है टू ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइसिस कंपनी उट इन कपल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट राइट सर लेकिन इतने साल तक ये बात? शायद कुछ गलती भी हुई हुई। एक आध दो जियो पोलिटिकल भी होता है देखो अब जब इंडिया ने वीट बैन किया था राइट एवरी वन वॉन्टेड इंडिया टू स्टॉप इट्स वीट बैन बिकॉज इंडिया इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा था गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम अपने अपने कंट्री का देखते हैं पहले तो वीट बैन कर दिया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 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 वॉज डूरिंग के बाद हाँ तो एवरी कंट्री शायर वॉज इंडिया शुड एक्सपोर्टेड क्यों भाई यू अर बीन आई मीन लॉर्ड ऑफ अदर कंट्रीज आर डूंग प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू इंडिया बट दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग दे ऑनली एक्सपोर्टिंग फ्यू लार्ज और वेरी डेवलप कंट्रीज दे डोन्ट नॉन्ट टू एक्सपोर्ट टू अफ्रीका बट दे वॉन्ट इंडिया टू डू दैट आप नहीं करते हो लेकिन आप हमें परेशान करते हो तो वो जियो पोल्टिकल भी होता है राइट समटाइम्स इट्स ऑल्सो के इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होता है कि राइट वन वी देवर्स राइट वी वेर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया राइट बट वी डिस इम्पोर्ट इट अगर नहीं करते थे वो तो बस इंडियन एग्रीकल्चर डाइड फार्मर के पास ऑप्शन नहीं होता था mm -hmm. तो क्या होता था खेती का तो काफी जियो पोलिटिकली भी होता है राइट एंड आई डोंट थिंक राइट और रॉन्ग कुछ गलत से ही नहीं कह सकते एग्रीकल्चर इज ए जियो पोलिटिकल गेम बिकॉज इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है काफ़ी कंट्रीज़ को फुटबॉल है उसका राइट hmm. right, तो समटाइम्स वी ऑल्सो प्ले के बॉस हमें भी मार्केट प्राइस ज़्यादा चाहिए राइट इंडिया लाइक पल्सिस होता है वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सिस राइट इंडिया अगर पल्सिस इम्पोर्ट बंद कर दे किसी एक कंट्री से और दूसरे कंट्री से ले तो उस कंट्री के पल्स का प्राइस कैश हो जाएगा hmm.

वो कह रहे थे कि उन लोग पैसा उतना कमा नहीं पाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो उसका क्या आपको दिख सकता है देखो डिपेंड्स ऑन डिमांड राइट अगर कंज्यूमर रेडी है ऑर्गेनिक फूड के लिए प्रीमियम देने के लिए तो किसान बना सकता है सप्लाई इज नेवर कंसर्न एग्रीकल्चर सप्लाई इन इंडिया इज वेरी अपना छोटा किसान है लेकिन वो सप्लाई रेजिल्स उसके ऐसा कोई नहीं है हुँ. अगर आपको लेट्स से ऑयल सेक्टर में कुछ चेंज करना है डिमांड सप्लाई तो अगर आपको नई फैक्ट्री भी डालनी है तो आपको पाँच सात साल लगेगी तो टू स्टार्टअप फैक्ट्री रिफाइनरी राइट हु. अगर कोई स्टील इंडस्ट्री में तो आपको तीन साल चाहिए बट किसान को बोला कि बॉस ये टाइम ऑनियन प्राइज क्रैश हो गया था ऑनियन का प्राइस डिमांड बहुत बढ़ गया है तो अगले तीन महीने में अपना किसान ऑनियन लेके आ जाएगा सही बात है तीन महीने में कोई भी सप्लाई इंडियन इंडियन फार्मर्स जो छोटा फार्मर है वो सब सॉल्व कर देता है तो दैट इज वॉट रेजिडेंट सप्लाई चेन इज आर ओके ऑर्गेनिक फूड इंडिया में कंज्यूमर को चाहिए बट कंज्यूमर उसके लिए प्रीमियम देने को रेडी नहीं है नहीं है वही तो प्रॉब्लम है अगर कंज्यूमर प्रीमियम देने को रेडी नहीं है फिर भी सर्टिफिकेशन चाहिए उसको ऑर्गेनिक तो पीपल फाइंड मीन टू कैर अर्टिफिकेट जुगाड़ जुगाड़ ही होता है ना बिकॉज ऑर्गेनिक करने के लिए आपको तीन साल का प्रोसेस चाहिए आपके खेत में बाढ़ की कोई भी चीज़ ना इनऑर्गेनिक चीज़ हो नहीं आनी चाहिए नहीं और तीन साल का प्रोसेस है वो तीन साल में किसान की उपज भी कम हो जाएगी उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा तो उसको कौन कॉम्पेसेट करेगा कस्टमर को ऑर्गेनिक चाहिए लेकिन पैसा नहीं देना है तो किसान कहाँ से करेगा सही बात है तो डिमांड रेडी है उसके लिए प्रीमियम देने को रेडी हो तो किसान सप्लाई कर देगा Hmm. फ्यू स्टेट लाइक उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट और तो ऑर्गेनिक तो उसके किसान को कोई प्रीमियम देता है नहीं हैं। In fact, किसान को दबाते हैं लोग हम तो श्रीलंका था ना जब, वो, जब उन्होंने एक बार किया। so बस ये, अगर आप सोचते हो कि इंडियन एग्रीकल्चर से केमिकल निकल जाएगा हंड्रेड परसेंट पॉसिबल नहीं है <laughs> श्रीलंका तो मार्केट गिर गया था बस पॉसिबल नहीं है वी विल नॉट बेल टू फीड आवर्स ऑर्गेनिक

होना भी नीचे होना भी राइट इट्स इट्स नॉट नॉट अ अ गुड गुड थिंग आल्सो थोड़ा केमिकल है तो स्टमक विल आई मीन वी बीन ईटिंग एवरीथिंग इंडिया में तो कुछ तकलीफ नहीं होती है हुँ, हुँ. तो इतना एडजस्ट कर लेंगे सर सब्सिडी पे क्या आ रहा है आपका जो गवर्नमेंट इतना सब्सिडी देती है मेरा बहुत ही एक सिली क्वेश्चन हो सकता है ये सिली है पर आप लोग जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं आप लोग एच एन आई फार्मर्स या जो फार्मर्स बड़े एरिया में कर रहे हैं जिनको आपको बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं देखो हम फार्म, फार्मिंग में नहीं करते हैं बट वी डोंट गेट इन टू डायरेक्टली नहीं वी डोंट गेट डायरेक्टली इन टू वर्किंग फार्मर्स एज ए पोर्टफोलियो कंपनीज काम करते हैं फार्मर्स के साथ मैं डायरेक्ट तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि किसान छोटा होता है पैसा नहीं होता आई कॉन्ट इन्वेस्ट मुझे है कि डायरेक्ट फार्मिंग में शायद मुझे भी लिमिटेड मिनिमम तो, तो डालना पड़ता है किसान, mm -hmm. किसान शायद किसान शायद ले ना पाए हाँ. और जो ये सब्सिडी किसान ले रहे हैं आपको लगता है किसान को बेनिफिट कर रहा है देखो सब्सिडी तो गवर्नमेंट hmm. कोई फेवर नहीं है किसान के लिए राइट right? आप जब सिंपल एग्जाम्पल खेती एक तो गवर्नमेंट बोलता है तो बोलता है कि आप स्टोरेट नहीं करोगे आप उसको यू टू सेल इट आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे क्यों दूसरे किसी बिजनेस में बोलता है गवर्नमेंट कि प्रॉफिट हो रहा है तो भाई मत करो नहीं बस खेती में होते हैं तो गवर्नमेंट ऑल्सो डजन डू अ फेवर बाय गिविंग सब्सिडी किसानों का हक है क्योंकि आप उसको चोरी उसको प्रॉफिट नहीं करने देते हो छोड़ दीजिए ना आपको नहीं करना है तो लेट थर्टी फाइव परसेंट इन्फ्लेशन आ जाए गवर्नमेंट शुड स्टेप आउट गवर्नमेंट को चार परसेंट इन्फ्लेशन रखना है हु. अगर कोई भी इंडियन अर्बन इंडिया में काम करता है बंदा उसको पंद्रह परसेंट इंक्रीमेंट चाहिए साल का और किसान को आपको देना है चार परसेंटेज हु. तो कहाँ से होगा तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट कर रही है कि भाई थोड़ा आप सब्सिडी ले लीजिए कोई फेवर नहीं है सब्सिडी इज ए राइट ऑफ द फार्मर्स किसान का हक है वो मतलब जब तक मिल... आप बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो बिजनेस में अगर आप छोड़ना है तो पूरा छोड़ दीजिए अगर पकड़ रहे हो तो यू सपोर्ट इज सपोर्टिंग हु. किसान ने कोई फेवर नहीं किया किसान ने को, किसान पर कोई फेवर नहीं है सब्सिडी देना और किसान का काम भी है प्रोडक्शन करना किसान सब्सिडी की आदत है थोड़ी लिमिट करनी चाहिए बट रेलिवेंट सब्सिडी होता है तो गवर्नमेंट आई थिंक ट्राइंग टू बैलेंस दैट हम्म करेक्ट तो जो ओमनी कैपिटल जो है मतलब जो कोई भी वेंचर कैपिटल ये फंड बनती कैसी आप अपना साइज बता सकते हैं कितना है कितना आप लोग डिप्लॉय करते हैं रफली जितना भी आप कंफर्टेबल है देखो आ, कोई भी फंड होता है लाइक तो वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनी में हो तो तीन से पाँच करोड़ रुपया डाल सकता है राइट फॉर समेक इन द कंपनी अगर कंपनी थोड़ी बड़ी है तो हम लोग दस बारह करोड़ डाल सकते हैं उससे बड़ी है तो बीस पच्चीस करोड़ रुपए और कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा करती है तो और थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं तीस चालीस करोड़ तक भी आप लोग हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम और ये टोटल आप लोग के पास जो पुल होता है वो यूजली कितने का होता है वो कैसे होता है मतलब हर टाइम हम लोग फंड रेस करते हैं जैसे आप लोग भी रेज करते हम भी रेस करते हैं सबके वी ऑल्सो रेस इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो फ्राम डी एफ आईज एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स तो रेस करते हैं तो so, जितना हमें रेज हो पाता है बिकॉज वी ऑल्सो नो कि हम लोग इतना मैनेज कर पाएंगे so, उतना raise that, तो उतना रेज करते हैं जो आप इन लोग से एग्जिट लेते हैं तो आप लोग एक शेयर लेकर उन लोग को भी रिटर्न करते हैं सब पहला पैसा उनका जाता है पैसा उनका है ना हु. उनका है। थोड़ा जब वी क्यू एश्योर जो भी रिटर्न होता है उनको मिलने के बाद द इज़ अरेंजमेंट के वी गेट सम बिट ऑफ अपसाइड ऑन दैट बेसिकली आप लोग आप तो जो वैल्यूएशन करेंगे सही कंपनी को आइडेंटिफाई करके कोशिश तो करते हैं हाँ कोशिश तो करेंगे सही कंपनी में होता नहीं होता वो तो समय बताता है यूजुअली जो कहते हैं लोग सर कि इन्वेस्टर तो बीस ही दस कंपनी में पैसा डालते हैं एक और दो ही उनको अच्छा रिटर्न देता है क्या ही सच है नॉर्मली तो सच ही है बिकॉज आप हम जब डालते हैं पैसा तो ये सोच के अगले पाँच या सात साल में क्या होने वाला है तो दैट इज़ वन एग्जम्पन वी हैव इट उसके बाद जो आंतर पर पैसा लगाया वो सब कुछ ठीक करे टू रीच टू दैट स्टेज राइट एंड रेगुलेशन ऑल्सो शुड सपोर्ट हिम एट दैट टाइम उसके बाद जब एग्जिट करने का सोचे हो तो मार्केट प्राइस क्या है वो भी क्या एवरी थिंग शुड अलाइन राइट तो स्टार शुड अलाइन हम बोलते हैं ना कि अपने पूरी कोशिश करिए पूरा कर्म करिए बट फाइनली जो डिसीजन आएगा रिजल्ट आएगा लॉट ऑफ थिंग्स अलाइन हम लोग कर सकते हैं तो right? और जब आप किसी कंपनी में पैसा डाल देते हैं उसके बाद उनको एडिशनल सपोर्ट आपकी तरफ से भी मिलते कैसे हो वो समझना बहुत जरूरी है लोग हम उसी जगह हेल्प कर सकते हैं जहाँ उनको हेल्प चाहिए और हम एडिशन कर सकते हो राइट right? अगर आमतौर पर बोला कि भाई आपसे हेल्प नहीं चाहिए तो हम लोग नहीं देंगे बिकॉज वी आर नॉट हम लोग उसका बिजनेस चला नहीं रहे सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं और वो हमें पूछे कि भाई साहब हमें कुछ सेल्स में सपोर्ट चाहिए या रिलेशनशिप में चाहिए या कोई किसी का इंट्रोडक्शन चाहिए या नेटवर्क चाहिए या किसी हमारे और पोर्टफोलियो के मेरे साथ में काम करना है या किसी के प्रोडक्ट सर्विसेज चाहिए तो वो हमारे इकोसिस्टम में होता हम तुरंत हेल्प कर देते हैं ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर अभी शार्क टाइम में बहुत सारे जो शार्क से बोलते हैं मैं आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ क्योंकि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा तो ये वैल्यू एडिशन नहीं ऐड करने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर बैकआउट करते हैं इसलिए लोग को ये रहता है कि इन्वेस्टर पैसा डालने के बाद और कुछ भी हेल्प करते हैं का देखो जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ करते हैं राइट अगर मैं वैल्यू एड कर सकता हूँ पर आंटरप्रेनर शायद मेरे से अच्छा काम करता हो तो मैं बीच में ना आऊँगा वी आर नॉट रनिंग बिजनेस और टू बी ऑन जो आंसर होता है उसको शायद अपने बिजनेस का मुझसे बहुत ही ज्यादा आता है सही बात है क्योंकि तो वो पूरा दिन वही खाता है वही पीता है वही सोता है और मैं मेरे लिए पोर्टफोलियो है राइट मेरे लिए एक कंपनी है पच्चीस तीस कंपनियों में से एक और कमनी है तो मैं कितना फोकस दूंगा वो लिमिटेड जब जब उनको मेरी जरूरत है वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको हेल्प करूंगा अगर मुझसे हेल्प होती है तो

नसीब के भरोसे काफ़ी कुछ लड़ाई करके वहां पहुंचा है शार्क टाइम पर शार्क टाइम पर कभी कभी उनका रिजल्ट जब भी उनको लगता है कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो जो फीडबैक होता है वो अच्छा होता है काफ़ी लोगों का बट काफ़ी लोग उनको बोलते कि लहजा जो होता है वो अच्छा नहीं होता इफ दैट कैन बी मैनेज आउट बेटर इट बिकम्स यूजफुल क्योंकि आदमी के पास पैसा हो या ना हो सक्सेस हो या ना हो पर डिग्निटी किसी को हर्ट नहीं करनी चाहिए बोल देते हैं कि आपका एटीट्यूड ये पसंद नहीं आया सर कोई, उनको भी भी शायद अपने जर्नी में अप, अप पुराने दिन याद करते तभी उनको भी, कभी हुआ राइट तो वो याद करके अगर डिग्निटी के सबको रिस्पेक्टफुली बात करे तो इट्स बिकम्स बेटर प्लेस टू वर्क लेकिन जैसे आपने कहा आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ये वर्ड सीख रहे हैं स्टार्टअप क्या होता है वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करना है कितना इक्विटी कितना स्टेक दे रहे हैं तो वो लिटरेसी उन्होंने काफ़ी क्रिएट किया है नो नो इट इज़ अ ग्रेट थिंग राइट इंडिया में जो फिनेंशियल लिटरेसी शायद कॉलेज या स्कूल में नहीं सीखा पाए शार्क टैंक ने सिखा दी सही बात है आई मीन इट्स ऑलवेज यूजफुल राइट आई मीन कोई भी चीज़ में अच्छी और बुरी दोनों बातें होती है राइट right? आपको ज्यादा जो देखना है देख सकते हो बिल्कुल मेरे मेरा भी वही माना है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली किसी छोटे से बात कर उसने बोला कि मैं शार्क टैंक में देखा

उसमें कोई दूसरा अंत पे का ऊपर या नीचे का सवाल ही नहीं है अंडरस्टूड अंडरस्टूड एंड जब आप लोग में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल जो फार्मिंग में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें आप क्या वैल्यूज देख रहे हैं एज अ पर्सन मानो मैं एक स्टार्टअप ऐड कर रहा हूँ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप मुझ में इन्वेस्ट क्यों करेंगे मेरे लिए पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉरली एथिकली कैसे हो राइट दूसरा आप कितना पर्सिव्यू कर सकते हो रगड़ सकते हो जैसे रगड़ कर सकते हो रगड रगड़ा सकते हो खुद को hmm. और कितने लोग को आप साथ में लेके चल सकते हो राइट right? खुद तो काफी लोग कर लेते अकेले राइट right? बट hmm. बिजनेस बनाना है तो लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा तो आपके कस्टमर को आपके एम्प्लॉयज को आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स पेयर्स को लेके कैसे साथ में चल पाते हो क्या आप किसी को हायर कर पाते हो जो आपसे बेहतर हो ये सबसे जरूरी पॉइंट है राइट right? क्योंकि जो कंपनी सिर्फ जो ऑंटर सिर्फ अपने से बेहतर लोग को हायर ना करे और अपने से नीचे वाले को हायर करे तो कंपनी का लिमिटेशन होता है वो ऑन्टरप्रेनर वो जो आंट्रप्रेनर की जो वीक कड़ी है वो बिजनेस की भी वीक कड़ी हो जाएगी लेकिन अगर कोई आंटर जो से वो सेल्स में अच्छा हो लेकिन फाइनेंस में अच्छा नहीं हो तो अपने से अच्छे सी को लेके आए तो उसकी जो वीक कड़ी फाइनेंस में तो शायद ना रहे वीक तो लोग कैसे हायर करते हो अपने से अच्छे लोग को हायर करके अपने साथ, साथ में लेके चलो तो बिजनेस अच्छा होगा तो ये भी कहूँगा कि आप सेल्स में भी अच्छे हो तो सेल्स में भी कोशिश करो अगर आपसे भी अच्छा कोई कर रहा है तो उनको भी हायर कर सकते आपका काम तो एज अ सी आफ्टर आंट्रप्र दो चार साल के बाद जब बिजनेस थोड़ा सेटल हो जाए आपका काम कुछ खुद नहीं करना है बट आपसे बेहतर लोग को लेके उस लोगों में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो ही आप कर पाओगे जो राज्य जो पहले जो राजा थे सबसे अच्छा राजा हमेशा लड़ाई नहीं करता था उसके सेनापति सेना और उसके, ले ले और उसके जो मिनिस्टर होते थे उनसे अच्छे होते थे वो सब साथ में लेके चलते थे तो ही आगे बढ़ पाते हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट खुद कितना करोगे सही बात है आई I मीन mean, वो टीम बिल्डिंग एक मुझे मेरा मानना है वो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे है। किसी भी ऑन्टरप्रनर के लिए सबसे जरूरी स्किल है टीम बिल्डिंग yes. आप टीम कैसे बिल्ड करो कैसे लोगों को आगे ले जाओ अभी मैं रिसेंटली ट्रेनिंग से आ रहा हूँ ओपनली बोल रहा था रणवीर लाबाद्या के ट्रेनिंग में था एंड उसकी टीम क्या शानदार है सर आज हम देखते हैं एक पॉडकास्टर जो टॉप पे बैठा है बट उस पॉडकास्टर पॉडकास्टर की स्किल ये है कि उसने इतनी अच्छी टीम खड़ा की है राइट So, एक फाइनल मैसेज सर जो आप देना चाहेंगे यंग ऑडियंस को हमारे किसान भाइयों को जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपके एक्सपीरियंस मैंने इस एपिसोड में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो भी चीज़ मैं दिमाग में सोच रहा था वो सारी चीज़ आपने आप बोले एंड कमिंग फ्रॉम यू वो बहुत वैलिडेशन देता है लोग थैंक यू देखो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आप आपका अगर बिजनेस करना हो या किसान हो तो और स्टार्टअप करना है तो फिगर आउट कि आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो राइट right? और आप कितना जेन्यून उस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो अगर आप जेन्यन रिलेट करते हो तो आप वो बिज़नेस आगे बढ़ा पाओगे आप फाइंड कर दोगे तो मोस्ट थिंग इज टू फिगर आउट कि आप कौन से प्रॉब्लम के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाते हो और उस सॉल्व करने के लिए आप कितनी कोशिश कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप हंड्रेड परसेंट दे सकते हो देन बिजनेस अपने आप हो जाएगा उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी प्रॉब्लम से जुड़ना जरूरी है प्रॉब्लम से जुड़ना जरूरी है मानो मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है बाहर लेकिन किसी और मैं जानता हूँ किसी और को है वो प्रॉब्लम मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है तभी भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ सकते हो तो आप सॉल्व कर पाओगे आप जुड़ रहे हो ना जुड़ रहे हो, हो प्रॉब्लम खुद पे गुजरना जरूरी नहीं है, खुद पे गुजरना नहीं। है। लेकिन उससे जुड़ना तो पड़ेगा बिल्कुल अगर मैं ओमनी और वीसी फंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में तो मुझे जुड़ा उस सेक्टर के प्रॉब्लम से काफी जुड़ा हुआ हो अगर इवन आप खेती नहीं कर रहे हैं तभी मैंने खेती किया भी नहीं आज तक एग्जैक्टली लेकिन मुझे समझता है प्रॉब्लम क्या है अगर मैं नहीं जुड़ पाता तो शायद ये फंड यहाँ तक नहीं होता था राइट राइट थैंक यू सर आपके टाइम के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला मैं एपिसोड से चाहता हूँ कि लोग यूजली हम फार्मिंग अपिसोड करते, करते हैं टेक्निकल अपिसोड ज़्यादा करते हैं बट ऑनटरप्रिनरशिप का हमने इस पर ज़्यादा एक टच दिया है क्योंकि हमें चाहिए मैं तो कहूँगा आज एग्री स्टार्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन आज भी और चाहिए सही चाहिए क्योंकि किसान किसान बढ़ते रहेंगे फूड का डिमांड बढ़ते रहेगा और उनके प्रॉब्लम्स भी बढ़ते रहेंगे थैंक यू सो मच फोर योर टाइम थैंक यू एंड डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट से लोग सीखेंगे एंड शायद ऑबनी वो भी आपको किसी न किसी तरीके में किसी दिन सपोर्ट कर पाए अगर आपके पास वो वैल्यू है थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच